हाँ भाइयों, होपफुली ठीक ठाक हो गए। आज हम रिव्यू करेंगे एक था टाइगर के सेकंड पार्ट, टाइगर जिंदा है का ट्रेलर। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई आप ये बताओ कि टाइगर जिंदा है में जो कहानी है, जो रियल इंसिडेंट पे है, चलो माना 25 नर्स थी, 25 25 नर्स थी, ठीक है, उनके उनको रख लिया था जो भी किया था ईरान में, ठीक है माना। अबे गधों, लेकिन उसको छोड़ भी तो दिया था, 25 नर्सों को छोड़ तो दिया था, कुछ करने की कौन सी जरूरत थी, कौन सा मिशन था भाई, अपनी तरफ से फिक्चुअल कहानी बना रहे हो भाई, ये क्या है, ये इस तरह कुछ नहीं हुआ था। ओ भाई 25 नर्सें रखी थी, उसके बाद उनको छोड़ भी दिया था, आराम से आ भी गई थी घर पे, तो कुछ ऐसा कोई मिशन तो हुआ नहीं था। और यार देखो भाई, सलमान खान के हम भी बड़े बड़े फैन हैं यार, सलमान खान है, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया फिर तो हम सुन ही लेते हैं फिर तो हम अपने अब्बा की सुनते हैं लेकिन चलो ठीक है, सलमान खान के हम फैन हैं, ठीक है, बहुत बड़े फैन हैं हम भी सलमान खान के, पसंद करते हैं शुरू से, फिल्म में देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, और जो है अभी तक देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, ठीक है भाई, चलो सही है। लेकिन यार फ़र्क क्या है फिल्म के अंदर, है अपनी वो कौन है अपना वो क्या नाम है उसका यार, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार की मेरे ख्याल से हॉलीडे थी, बेबी थी, क्या थी, बेबी फेम, फिर वो उसकी आई क्या नाम है वो नवाब जो है, सैफ अली खान की फैंटम आई, एजेंट विनोद आई, वो भी सेम थी यार। कोई कहानी में कोई नया कोई कहानी वहानी तो लेकर आओ, ये क्या चक्कर है, वही कहानी सेम कहानी, सलमान खान जा रहे हैं अकेले भाई, अकेले अकेले वो आईएस ये वो सबको मार रहा है। अबे यार अगर ये पता होता तो ये जाके अमेरिका को बताओ, इतने करोड़ों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, अबे सलमान खान को भेजो ना यार 11 करोड़ पर डे दे दो बिग बॉस की तरह, सलमान खान बचा लेगा है। कैटरीना कैफ भी फायरिंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, एंड में जाके भाई सलमान खान जो है वो बन गया, रैम्बो बन गया, ये लेकिन भाई जो भी है सलमान खान की फिल्म है, सही है, रिलीज भी ऐसे टाइम पे होगी, सब देखने जाएंगे। अब इसके बाद आएगी, अभी आई है, पहले आई थी, क्या आई थी, टाइगर, एक था टाइगर, अब है टाइगर जिंदा है, कल टाइगर आ रहा है, फिर भागो टाइगर आया, फिर टाइगर जाग गया, फिर टाइगर 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 टाइगर। लेकिन चलो यार ठीक है ठीक है ठीक है, सलमान खान है अपना भाई, जो भी है फिल्म तो देखेंगे हम भी जाके, लेकिन ये कि यार मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा चलेगी मूवी, मुझे नहीं लगता भाई, हम वही लोग हैं जो टिकट खरीदते हैं और जाके फिल्म देखते हैं, हमें कोई फ्री में फिल्म नहीं देखता ना, हम ऑनलाइन इलीगल तौर पे स्ट्रीम करते हैं मूवी, सही है ना, जाके सिनेमा में जो मूवी अच्छी लगती है उसको जाके हम देख लेते हैं। तो भाई मैंने आज ट्रेलर देखा, और ट्रेलर देखने के बाद मैंने यही सोच लिया भाई, लोगों को बताना ज़रूरी है कि ईरान में हुआ था, ये बात मानते हैं हुआ था, लेकिन ये सब नहीं हुआ था कि जाके भाई सलमान जैसे कोई भेजा है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उनको रोका था लेकिन उनको छोड़ भी दिया था, आराम से वो लोग वापस आ गई थी, सही है ना भाइयों। तो मैंने सोचा ये बता दूं, वरना लोग जो है, एक सेकंड जरा अपने एयरपोर्ट को सही कर दूं, हाँ, ताकि लोग जो है किसी गलत फहमी में ना रहें, ठीक है ना भाइयों। तो आगे भी हम रिव्यू करते रहेंगे, क्योंकि भाई हम वही हैं जो हम टिकट खरीदते हैं और फिर जाके फिल्म देखते हैं, 10 10 पाउंड का टिकट होता है, सही है, 10 पाउंड कितने हो गए, अगर आप इंडिया में रहते हो 10 पाउंड तकरीबन कितने, 1200 1300 रुपीज़ होंगे, पाकिस्तान में रहते हो तो 1500 1600 रुपीज़ होंगे, तो आप हिसाब लगा लो यार, अच्छे खासे पैसे होते हैं भाई, हम क्यों ज़ाया करें उसका, मैं मैकडोनल्ड में जाके बिग मैक ना खा लूँ ये जाके कहीं से बिरयानी लेके ना खा लूँ तो। लेकिन ये है कि भाई सलमान खान की मूवी है तो हम तो देखेंगे, क्या पता ना भी देखें, लेकिन ये है कि अब मैंने ट्रेलर का रिव्यू कर दिया है तो मूवी का तो करना पड़ेगा, तो देखते रहिए, और अगर पसंद आई मेरी बातें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो दिल में आए करें, नहीं करें ना करो भाई, अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ मेरा भाई चलो ओके भाइयों, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद।